इसी बीच एक और बड़ी खबर है। इसराइल के ऑपरेशन न्यू ऑर्डर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। नसरुल्लाह की बेटी के मारे जाने की भी आशंका है। ज़ैनब नसरुल्लाह के मारे जाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। न्यू ऑर्डर नाम से जो ऑपरेशन चलाया गया इसराइल की ओर से, उसमें हसन नसरुल्लाह तो ढेर हुआ के, लेकिन अब जानकारी आशीष ये भी आ रही है नसरुल्लाह की जो बेटी है ज़ैनब नसरुल्लाह वो भी इस ऑपरेशन में मारी जा चुकी है। इसकी कितनी आशंका है? जी हाँ बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है। आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये भी क्लेम किया है कि सिर्फ हसन नसरल्ला ही नहीं, उसकी बेटी ज़ैनब नसरल्ला भी इस हमले में मारी गई है। इजरायल इसको अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा है। पारंपरिक दुश्मनी जरूर रही है इसराइल और हिजबुल्ला के बीच, लेकिन ये इसराइल शोकेस कर रहा है कि उसने बहुत सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया है, और सिर्फ नसरल्ला ही नहीं उसकी बेटी ज़ैनब नसरल्ला को भी मार गिराने में इसराइली डिफेंस फोर्सेज कामयाब हुई हैं, और लिहाजा इसीलिए इसको कोई बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा हिजबुल्ला। और ईरान की तरफ से बिल्कुल देखने लायक होगा कि ईरान इस पर कैसा रिटेलिएट करती है। निश्चित तौर पर ये थोड़ा और जंग जैसे हालात क्रिएट कर देगी दीपा, वहाँ पर जो पहले ही हमें आशंका थी कि ग्राउंड वॉर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, पहले से ही एयर स्ट्राइक्स की जा रही थी, अब हो सकता है कि ज़मीनी लड़ाई भी वहाँ पर देखने को मिले और एक नहीं कई और देश इसमें शामिल हो जाएँ दोनों खेमों की तरफ से। बिल्कुल विशाल, जिसका जिक्र आशीष कर रहे हैं उस पर भी आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। और साथ ही एक सवाल ये भी कि अभी भी जान बाकी है हिजबुल्ला में, क्योंकि इसराइल ने तमाम जो अलग अलग यूनिट के चीफ थे उनको ढेर किया पहले, उसके बाद 32 साल से संगठन की जिम्मेदारी जो संभाल रहा था नसरुल्लाह, अब उसको ढेर किया जा चुका है। अब कुछ जान बाकी है हिजबुल्ला में या फिर क्या होगा आने वाले वक्त? देखिए अभी इस पर और ज़्यादा जानकारी का इंतज़ार करना होगा, लेकिन हसन नसरुल्लाह का मारा जाना हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने जैसा है, क्योंकि हसन नसरुल्लाह ही सबसे बड़ा चेहरा था हिजबुल्लाह के संगठन का, और हसन नसरुल्लाह ही न सिर्फ पूरी प्लानिंग करता था, बाकी अगल बगल के जो उसके सहयोगी देश थे उनसे वो बातचीत किया करता था। यानी हसन नसरुल्लाह को टारगेट करना इसराइल की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी, और इसराइल इस बात की पुष्टि खुद से भी कर रहा है कि जो लोग इजराइल के लोगों पर हमला करेंगे या इजराइल के लोगों को निशाना बनाएंगे इजराइल उनको छोड़ेगा नहीं। और इजराइल ने लेबनान में बेरूत में जो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था एक तरह से वहां पर घुसकर हसन नसरुल्लाह को मार गिराया है। जो जानकारी अभी तक लोकल मीडिया रिपोर्ट से आ रही है बाकायदा एक खुफिया एंटल इजराइली जो एजेंसीज हैं उन्होंने हासिल की, और उसके बाद जो हेडक्वार्टर था बताया जा रहा है वहां बंकर के अंदर हसन नसरुल्लाह अपने विश्वसनीय लोगों के साथ बैठा हुआ था, वहीं से प्लानिंग कर रहा था, और हमले के वक्त उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग पाया कि इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के इस मुख्यालय पर, क्योंकि ये रिहायशी इलाके के अंदर कई बंकर के अंदर इनका मुख्यालय बना हुआ था, इसको निशाना बनाया जाएगा जहां पर हसन नसरुल्लाह होगा, और वहीं पर इजरायली टीम की तरफ से हमला किया गया और नसरुल्लाह को ढेर कर दिया गया। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, और आशीष आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।